नगरीय विकास विभाग पर आज की बड़ी खबर है। निर्धारित अवधि में भूखंड पर निर्माण नहीं करने पर कार्रवाई करेंगे। संबंधित निकाय भूखंड का आवंटन निरस्त करने की ये कार्रवाई करेंगे। विभाग ने इस बारे में सभी निकायों को अहम निर्देश भी दिए हैं, आदेश दिए जा चुके हैं। इस आदेश के तहत निकाय ऐसे भूखंडों का सर्वे करेंगे और सर्वे करने के बाद संबंधित भूखंडधारियों को नोटिस दिए जाएंगे। इसके बाद आवंटन निरस्त करने की यहाँ पर कार्रवाई होगी। सरकार के सख्त आदेश, मामले में समस्त कार्रवाई की पहल की जाए। प्रशासन शहरों के संग अभियान से पहले ये कार्रवाई की जाए। अभियान इस वर्ष 2 अक्टूबर से शुरू होगा। संवाददाता अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, पूरी जानकारी इसे लेकर चाहेंगे, किस तरह के आदेश है? श्वेता, पहले तो मैं नियम बता दूं कि नियम यह है कि कोई नीलामी से अगर निकाय किसी को प्लॉट आवंटित करते हैं तो उसमें 5 साल में उसका निर्माण करना जरूरी होता है। इसके अलावा मान लीजिए कोई संस्थानिक आवंटन होता है, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट को दिया जाता है, तो उसके लिए 4 साल होते हैं। इसी तरह से एक आम आदमी जो जेडीए से पट्टा लेता है तो उसका पट्टा लेने के 5 साल में उसको निर्माण कराना जरूरी होता है। लेकिन अगर ये 5 साल में निर्माण नहीं करा देते तो निकायों के पास ये अधिकार होते हैं कि वो 10 साल तक इसको बढ़ा सकते हैं। इसके लिए वो जो आरक्षित दर है उसका 1% के हिसाब से पुनर्गठन शुल्क लेते हैं, तो शुल्क लेकर उसको बढ़ा सकते हैं। 10 साल बाद में भी अगर कोई निर्माण नहीं करता है तो फिर सरकार की स्वीकृति से ही इसको बढ़ाया जा सकता है। इस स्थिति में भी जो है पुनर्ग्रहण शुल्क लिया जाता है और ये शुल्क जो होता है 2% आरक्षित दर का होता है। ये जो पूरी कवायद जो श्वेता की जा रही है उसके पीछे ये माना जा रहा है कि बड़ी तादाद में शहरों में इस तरह के प्लॉट्स हैं जो कि खाली पड़े हुए हैं, जिनको 5 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन वो बिना पुनर्ग्रहण शुल्क के जो है वो खाली पड़े हुए हैं। तो इसमें सरकार की जो मंशा है, सबसे बड़ी जो मंशा है कि निकायों की आय बढ़ाना उनकी मंशा है। इसके लिए सरकार का मानना है कि इस तरह की कार्रवाई की जाएगी, भूखंडधारियों को नोटिस दिए जाएंगे तो वो पुनर्ग्रहण शुल्क जमा कराएंगे और जो शुल्क मिलेगा उससे निकायों को आय होगी। और दूसरी मंशा ये भी है कि जो खाली पड़े प्लॉट है उनपे जो उनके कारण जो कॉलोनी में विकास नहीं हो पाता, खाली प्लॉट है जिसमें कूड़ा डलता है, तो इससे भी वो भी खत्म किया जाए और वहां पर जल्द से जल्द निर्माण हो ताकि कॉलोनी में विकास हो। क्योंकि बड़े बड़े प्लॉट ऐसे हैं जो ग्रुप हाउसिंग के लिए या होटल के लिए निकायों की ओर से आवंटित किए गए थे, लेकिन उन पर तय अवधि में निर्माण नहीं हुआ है और वहां पर जो है वो कूड़े के ढेर बन गए हैं और गंदगी वहां चल रही है। तो इन सब चीजों से को देखते हुए सरकार ने ये बड़ा फैसला किया है और ये सख्त आदेश दिए हैं कि आप जितनी भी कार्रवाई है वो कर प्रशासन शहरों के संग अभियान से पहले कर लें। और ये भी कह दिया है कि अगर सरकार के स्तर पर जिन मामलों में निर्णय लिया जाना है वो मामले भी 31 अगस्त तक हर हाल में पहुंचा दें। ये एक सख्त आदेश दिए हैं। और ये जो पुनर्ग्रहण शुल्क है ये बड़ा अमाउंट होता है। अगर पुनर्ग्रहण शुल्क इसमें जो निकाय है वो संबंधित पहले सर्वे कराएंगे अपने इलाके में और सर्वे कराने के बाद भूखंडवार जो उनके निकायों के रिकॉर्ड में होगा उस संबंधित व्यक्ति को नोटिस दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया अभिषेक इस पूरी